गाइस यार फाइनली घर पर पहुंच गए। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। शिनचैन चॉप कहाँ पर हो? मैं आ गया। ये रहे एक मिनट, ये कौन है और यहाँ पर कैसे घुसा? अरे फ्रैंकलिन भैया इससे मिलो, ये है वेनम। हाँ शिनचैन एकदम सही बोल रहा है। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कहाँ से वेनम लगता है, वो ऐसा थोड़ी ना दिखता है। ये दोनों सही बोल रहे हैं, मैं ही वेनम हूँ। तुम मुझसे कभी पहले मिले नहीं हो ना, इसलिए नहीं पहचान रहे हो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये सही तो बोल रहे हैं, हमने कभी देखा थोड़ी है कि वेनम के अंदर कौन है। इसने बोला और तुम लोगों ने मान लिया, इसके पास क्या सबूत है? और पहली बात तो ये यहाँ पर कर क्या रहा है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे टोनी के पास ले चलो, वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चलो फटाफट। गाइस आज दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे, तो जल्दी से बाहर चलो, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। इसका मतलब मैंने जो बाहर गाड़ी देखी थी वो इसकी थी। भाई साहब ये रही। गाइस यार ये बहुत कमाल की गाड़ी है, दिखने में कितनी प्यारी है। अरे मेरे लिए भी रुको। अरे वाह क्या गाड़ी है। तो गाइस अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और जाते सीधा टोनी के घर पे। वैसे तो इस पर मुझे भरोसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वेनम पर भरोसा क्यों कर रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए? ये बहुत लंबी स्टोरी है। अरे यार बताओ ना, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये तब की बात है जब पहली बार मैंने नल की पावर को महसूस किया था। वो अपनी तलवार को ढूंढते हुए बहुत सारे डायमेंशन में भटका, फिर उसे पता चला कि उसकी तलवार पृथ्वी पर है। उसकी नजर यहाँ पर पड़ चुकी थी और उसने ये भी सोच लिया था कि वो इस प्लेनेट को अपना प्लेनेट बना देगा। नल ने ही सारे सिम्बियोट को बनाया है और अब वो पृथ्वी पर जा रहा था ताकि वो उन सबको वापस से हासिल कर सके। नल इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो अपने मिशन पर निकल पड़ा, उसे जो भी चाहिए होता है वो हासिल कर लेता है और उसके बीच में जो भी आता है वो मारा जाता है। कोई भी उसके सामने आज तक नहीं टिक पाया। आखिरकार उसे जो चाहिए था उसने धीरे धीरे करके ढूंढना शुरू कर दिया और वो उसमें कामयाब भी होने लगा। उसने बहुत जल्दी पता लगा लिया था कि धरती के सारे सिम्बियोट कहाँ कहाँ पर है। उसने एक एक करके सबको अपने कंट्रोल में कर लिया और ये तो होना ही था। नल में इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी सिम्बियोट को अपने कंट्रोल में कर सकता है। उसने सारे सिम्बियोट को ढूंढ निकाला जो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए। वो तो बच गए, पर जिन्होंने भी ना कहा उसने उन्हें जबरदस्ती वो काम करने पर मजबूर कर दिया। वो सारे सिम्बियोट को इसलिए जमा कर रहा था ताकि अपने एक सेना बना सके। वो छोटी सी सेना उसके लिए बहुत काम की थी। आखिरकार तुम सब मेरे हाथ में आ ही गए। तुम सबको पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है और तुम किस लिए यहाँ पर हो। मुझे निराश करने की गलती मत करना, वरना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि मैं माफ नहीं करता। वो सारे सिम्बियोट चुपचाप उसकी बात मानते रहे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। और उसी के साथ नल ने उन्हें स्पेशल पावर्स भी दी जिससे उनका काम आसान हो सके। पृथ्वी वासियों को नहीं पता था कि उन पर काले बादल मंडरा रहे हैं। नल ने सारे सिम्बियोट को अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया और वो सिम्बियोट अपना काम करने लगे। उन्होंने लोगों को अपना शिकार बनाया ताकि वो अपना एक अल्फा चुन सके और उसे कंट्रोल करके अपना काम निकलवा सके। वो सारे के सारे पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। एक बहुत ज्यादा शातिर था तो दूसरे में बहुत ज्यादा ताकत थी। सारे सिम्बियोट एक दूसरे से अलग ताकत रखते थे। वो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुके थे और उनमें से कुछ इविल हो गए थे। वो सारे के सारे अलग डायमेंशन में थे और अलग अलग टाइमलाइन में। मैंने नल को रोकने की कोशिश की पर उसने मेरे सिम्बियोट को मुझसे अलग कर दिया और मुझे दूर कहीं फेंक दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरा सिम्बियोट कहाँ पर है। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे वो सब तो ठीक है, एक चीज बताओ ये गाड़ी कितने में ली? इस गाड़ी को खरीदने के पैसे तो मैंने घर बैठ के कमाए थे। कैसे? विनोमो से। अरे इसके बारे में तो मैं जानता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो क्या गाइज आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो? तो आपको आज मैं विनोमो ऐप के बारे में बताता हूँ। ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। विनोमो के जरिए आप मंथली 30,000 मतलब के डेली के 1500 तक कमा सकते हैं। इसमें ग्राफ को देख के फॉरकास्ट करना होता है कि आपके चूजन असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज। चलिए मैं आपको रियल अकाउंट में करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने 2500 से फॉरकास्ट किया कि असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए। ओ यस, ये देखो मेरा फॉरकास्ट सही हो गया। अर्न की हुई अमाउंट को आप 24 घंटों में बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम से इजीली विड्रॉल कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर आपका फॉरकास्ट गलत होता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। मेरे प्रोमो कोड का यूज करने से आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, मतलब के 400 का 800। 16 जून से 29 जून तक विनोमो लाया है आप सभी के लिए एक मौका न्यू आईफोन पाने का। इसके लिए सिर्फ आपको मिनिमम 300 INR मतलब के रुपीज के एटलीस्ट 20 ट्रांजेक्शन करने होंगे और तो और इन ट्रेड्स के असेट टाइम रिजल्ट मैटर नहीं करेंगे। जितने ज्यादा ट्रेड्स उतने ही ज्यादा चांसेस आईफोन पाने के। पहले 2 आईफोन 23 जून को और बाकी के 4 1 जुलाई को दिए जाएंगे, जिसका अनाउंसमेंट विनोमो पर वीडियो के जरिए किया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डाउनलोड करिए विनोमो ऐप और स्टार्ट कीजिए अर्निंग और आईफोन पाने का मौका। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई एम अ विनोमिस्ट एंड यू।
अरे और कितनी देर लगेगी? बस चौप हम लोग पहुँचने ही वाले, तो गाड़ी जल्दी से जाके गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और उतर के जाते हैं अंदर। सब लोग आ जाओ मेरे पीछे, जल्दी जल्दी जाते टोनी के पास। वो रहा, अरे रुक जाओ, सीधा मुझ पर ही चढ़ जाओगे क्या? इतनी घाई में क्यों हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बताओ। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, क्योंकि वैनम हमारे साथ होकर भी नहीं है। पहले ये बताओ कि ये कौन है? अरे इसका नाम एडी है, और आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, यही वैनम है। हाँ, ये एकदम सही बोल रहा है। शिनचैन चौप, तुम दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? सुबह से यही साबित करने में लगे हो। ये दोनों सच बोल रहे हैं, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ और ये दुनिया भी। मुझे जल्दी से अपने फ्यूचर में जाना होगा। टोनी देख, मुझे नहीं पता ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और मेरे पास तेरे को समझाने का भी टाइम नहीं है, पर हमें इसकी मदद करनी होगी। अच्छा ठीक है। एडी तुम एक काम करो, जल्दी से उस मशीन में जाके खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, अभी जाके खड़ा होता हूँ। ये लो मैं आ गया, अब बताओ क्या करना होगा? अत्यारे तारे काय नहीं करवानो, मारी वारी छे। आ मैं मशीन चालू करी दीदी, तैयार थई जाओ। तो गाइस हम लोग तो तैयार है, अगर आप भी तैयार हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वैनम के 200 ईयर। आउच, ये मैं कहां पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है? अभी तुम अपने एज 100 में हो, तुम्हें अपना सिम्बियोट यहीं पर मिलेगा। कहां पर? मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, वो तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें यहां पर एक म्यूजियम दिखेगा। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, तो जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। नहीं रुक जाओ, ये इतना आसान नहीं है। ये म्यूजियम चारों बाजू से घिरा हुआ है, तुम्हें चारों बाजू स्वॉट मिलेगी। यहां से बचकर निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बाहर भी पहरा है और अंदर भी। यहां की पहरेदारी बढ़ चुकी है, और तुम्हें जो चाहिए वो इस म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर है, पर वहाँ पर बहुत गार्ड होंगे, संभल कर रहना। अच्छा ठीक है, मैं छुप कर जाऊंगा। चलो अभी तक मुझे किसी ने नहीं देखा, वो गार्ड उस तरफ देख रहे हैं। मेरे पास यही मौका है, एक काम करता हूँ इस पिलर पर छुप जाता हूँ। हाश, चलो किसी ने नहीं देखा, धीरे धीरे घूम के उस साइड जाता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास यही मौका है, फटाफट अंदर घुस जाता हूँ। मुझे साइड से जाना होगा, अगर सामने से गया तो इनको पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर भी कोई नहीं है, बस किसी चीज की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर कोई तो है। अरे नहीं, यहाँ पर तो एक गार्ड है। काम करता हूँ एकदम स्लो होके जाता हूँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे, और ये मैं पहुँच गया आगे। अब जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ, मेरा सिम्बियोट ऊपर ही होगा। चलो इतना आगे तो मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया? हाश, बच गया, अभी तो ये हमें देख ही लेता। जल्दी से जा यहाँ से, बस इसके निकलने का वेट करना है, फिर मैं जल्दी से आगे चला जाऊंगा। चलो ये गया, अब फटाफट आगे भागता हूँ। जल्दी, मेरा सिम्बियोट यही पर होगा। यहाँ पर भी एक गार्ड है, इसे तो मुझे ठिकाने लगाना होगा, वरना मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। जल्दी से जाता हूँ, और ये ले और ये खा। चलो मुझे लगता है ये तो गया, इसकी गन ले लेता हूँ, मेरे काम आएगी। मुझे इस कांच को फोड़ना होगा, ये बहुत ही मजबूत है। ये और ये गया, ये रहा मेरा सिम्बियोट। मुझे महसूस हो रहा है मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये लोग नहीं बचेंगे। अरे नहीं, ये तो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, इस साइड से होकर जाता हूँ, अभी तो ये नहीं बचेगा। और ये गया, चलो ऊपर तो क्लियर है, अब बारी है नीचे की। यहाँ पर भी एक है, और ये भी गया। अब मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये रहा दरवाजा, यहाँ तो पूरी बारात है। कोई बात नहीं, ये भी नहीं बचेंगे मेरे हाथ से, कैसे भी करके जल्दी निपटाता हूँ। अरे यार रिलोड भी अभी होना था। चलो हो गया, और ये भी गया, अब बारी है इसकी। मुझे लगता है ये भी गया। चलो अपना काम तो हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं। ये मिलिट्री वाले तो आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक बाइक है, इसे लेके ही निकलता हूँ। ये तो धनाधन गोलियां चला रहे हैं, इससे पहले मुझे कुछ हो मुझे यहाँ से भागना होगा। अरे नहीं, ये तो सामने से आ गए। चलो बार बचा, यहाँ से निकलता हूँ। वैनम कहाँ पर हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आखिरकार मेरी याद आ ही गई, और ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कोई बाइक चलाता है? मुझे लगता है यहाँ से मुझे ही संभालना होगा, पर मेरी बाइक मेरे कलर की होगी, ये रेड कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो ये भी हो गया, संभल के, आगे से ब्रिज टूटा हुआ है। उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे इन सबसे डर नहीं लगता। वाह वैनम, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही कूल था। वैनम जहाँ पर भी होता है वो कमाल ही करता है। सामने देखो, लोग यहाँ से जंप लगाते हैं। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, पर जरा सामने देखो, यहाँ पर पुलिस है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो सामने आ गए। चिंता की कोई बात नहीं, हम ऑफ रोड से होकर जाएंगे। अरे संभल के, ऐसी बाइक क्यों चला रहे हो, कहीं हमें चोट लग जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम ही चलाओ। बाइक कुछ ज्यादा स्पीड हो गई है, मुझे कंट्रोल करना होगा। अरे नहीं, ये कौन आ गया सामने? बहुत जोर से लगी, ये कौन है? वैनम, ये तो तुम्हारे जैसा दिख रहा है, पर ये यहाँ कहाँ से आया? वैनम, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, मेरी याद आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। ये तो तुम्हारा नाम जानता है, तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं सारे सिम्बियोट को जानता हूँ। हमें इसे संभल कर रहना होगा, ये बहुत खतरनाक है। तुमने सही कहा, वो तो मैं हूँ ही, और तुम्हें उसका नमूना भी जल्दी देखने मिलेगा। वैनम हमें कुछ करना होगा, जल्दी से अपने फुल फॉर्म में आओ। चिंता की कोई बात नहीं, अब ये नहीं बचेगा। हम वैनम है और हम किसी से नहीं डरते। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। इससे पहले तुम्हारी लगेगी। ये लो और ये खाओ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं।
तुम्हें हमारे मालिक के सामने झुकना होगा। तुम बच सकते हो अगर तुम भी उनके लिए काम करो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरह कोई चमचा नहीं हूँ। वो तो दिख ही रहा है, तुम्हें खुद को संभालने के लिए हमारी तरह ही दूसरों की जरूरत पड़ती है। ये मेरा पार्टनर है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये खाओ, तुम्हारे मालिक से जाके कह देना कि बहनों में से हाथ नहीं आएगा। पर वैसे भी मुझे गुलामी की आदत नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। अब ये खाओ। गायर गाड़ियां फेंक के मारता है, खुद में इतनी ताकत नहीं। चलो बच गया। बचने तो तुम नहीं वाले, ये लो और यहाँ पर आओ। अरे नहीं रुक जाओ, तुम पागल हो चुके हो। ये लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे आइए। अरे बाप रे, अब ये ले और ये खा। तेरी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम लोगों से डरता भी नहीं हूँ। अब ये ले और ये खा। चलो फाइनली ये तो गया, अब बारी है इसकी ताकत हथियाने की। जल्दी से इसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ, फिर इसकी ताकत मेरी होगी। अरे ये कार कहाँ से आ गई? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ। तैयार हो जाओ वेनम, अब मैं तुम्हें एज 140 में भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, ये मैं कहाँ पर आ गया? आउच, कुछ ज्यादा ही ऊपर से गिर गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बहुत ठंडी है। संभल कर काम लो, दूसरा सिम्बियोट यहीं पर है और उसके साथ मुझे एक और ताकत महसूस हो रही है। तुम्हें कैसे महसूस हो सकती है? मेरे पास रेडार है जिनकी मदद से मैं ये पता लगा सकता हूँ। तो ऐसा बोलो ना, एक मिनट, यहाँ पर कोई तो है। वो लोग वो रहे, मुझे दिख चुके हैं। तुम्हें याद है ना क्या करना है? एक तो नाकारा निकला, तुम मुझे निराश मत करना, मुझे तुमसे उम्मीद है। मालिक आप चिंता ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैंने वो पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है, आपकी तलवार जहाँ कहीं पर भी होगी मुझे पता चल जाएगा। इस टावर के रेडिएशन की मदद से मुझे उसके एनर्जी सोर्स का पता चल जाएगा और वो फिर आपके हाथ में होगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है मालिक, वो इसी टावर की बात कर रहा था, तुम्हें उसे रोकना होगा। इस टावर का कंट्रोल उस रूम के अंदर है, उसे जाने से रोको। अच्छा ठीक है, वो तो निकल गया है, इसको पीछे से मारता हूँ। ये ले। ये कौन है जिसने पीछे से वार किया? वेनम, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। मेरा तो मन भी नहीं था तुमसे मिलने का, पर क्या करूँ, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम किसी को नहीं मिल पाओगे। मेरा तो पता नहीं, पर तुम जो करने जा रहे हो वो कभी नहीं कर पाओगे। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करके रहूंगा। ये लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संभल के, वो सिम्बियोट बहुत कुछ कर सकता है, उसने पूरे मौसम को चेंज कर दिया। अरे नहीं, बहुत जोर से लगी। ये क्या, यहाँ पर तो ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई और कोहरा भी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो भी यही चाहता है। अब मैं क्या करूँगा, उसे कैसे ढूंढूं? अपनी पावर का इस्तेमाल करो, तुम हीट का पता लगा सकते हो, उसे उसका भी पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो काम करता है। वो रहा सामने, मुझे येलो डॉट दिख रहा है और वहाँ से पावर भी महसूस हो रही है। तुम सही हो, वो वही पर है, उसे जाके मारो। कहा गया, ये रहा, इसकी बात है। ये गया, उल्टा कहाँ पर है? अब जा यहाँ से, मुझे लगता है मैंने उसे खत्म कर दिया और मौसम भी ठीक हो चुका है। अरे ये क्या, ये तो अभी भी जिंदा है, इसमें भी बहुत ज्यादा ताकत है। बहुत का तो पता नहीं, पर मेरे मालिक ने मुझे इतनी ताकत दी है कि वो तुमसे तो ज्यादा है, मुझसे ज्यादा तुम्हें कभी नहीं हो सकती। भागते कहाँ पर हो, यहाँ पर आओ। अरे नहीं, तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब ये लो, तुम्हारे मालिक ने भले तुम्हारी ताकतें बढ़ा दी है पर मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, ये तो तुम्हें लगता है। अब ये लो और ये खाओ। तुम्हें झुकना होगा वेनम, और उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि तुम अकेले हो और हम बहुत ज्यादा। तुम्हारी अकेले की ताकत है हमारे सामने कुछ नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। यहाँ पर आओ, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी ताकतें कितनी भी हो पर मेरे हौसले से बड़ी नहीं है। इस अर्थ पर एक ही सिम्बियोट राज करेगा और वो है वेनम। तुम्हारे लल्लू पंजों से मुझे कुछ नहीं होगा, अगर ऐसी बात है तो ये खाओ। अब ये लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मान लो तुम्हें इतनी ताकत ही नहीं है। अब ये खाओ और ये, दूर हो जाओ मुझसे, तुम्हारी तो आज मैं वाट लगा दूंगा। कहा गया मेरा हथियार? ये रहा। आजा बेटा, अब तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। सॉरी, तुम तो नरक में तड़पोगे। अब ये खाओ। तुम कुछ भी नहीं मेरे सामने, तुम्हें तो मैं चला कर खाक कर दूंगा। वाह क्या बात है, मुझे लगता है ये पावर मुझ में पहले सिम्बियोट को मारने से आई है। अब जल्दी से इसे भी मार देता हूँ, इसकी पावर भी मेरी हुई। टोनी, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, पर ये मेरी मजबूरी है। अब मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूँ एज 180 में। आउच, वाह क्या बात है। वेनम थोड़ी देर चुप हो जाओ और मुझे देखने दो, हम कहाँ पर है? टोनी ये कौन सी जगह है? ऐसी जगह तो मैं पहली बार आया हूँ। ये इविल वर्ल्ड है, यहाँ पर संभल के रहना, यहाँ पर बस कार्नेज का राज चलता है। वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक और इविल हो चुका है। अच्छा ठीक है, वहाँ सामने कोई तो है, मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी से पास जाकर देखता हूँ। ये रहा कार्नेज, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो नीचे और मुझसे लड़, तुम्हारा अंत नजदीक है। क्या बात है वेनम, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, अच्छा हुआ तुम यहीं पर आ गए।
तुम्हें रोकने में और आसानी होगी, पर उसके लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और तुम्हारा बॉस भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास उसका ही नंबर है। ऐसा तो तुम्हें लगता है, पर तुम यहाँ के जीवों को नहीं जानते। ये जो तुम मेरे बाजू में देख रहे हो, ये तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। इन्हें मौका तो दो एक बार, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा अगर तुम इनसे बच गए तो। ये कहाँ पर गया? अभी तो यहीं पर था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तो ये लोग बचेंगे नहीं मेरे हाथ से, इनके तो मैं वाट लगा दूंगा। आओ आओ आओ, ये मेरी कमर। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों मेरी पावर काम नहीं कर रही है। ये चीज क्या है, जरा पास जाकर देखता हूँ। एक मिनट, ये तो बहुत ही भयानक सी है। मुझे लगता है मेरी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी जल्दी भागता हूँ। ये है क्या, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूखा हुआ कार्नेज है। संभल कर रहना वैनम, तुम जैसा सोच रहे हो खाली वैसा नहीं है। ये जगह इन चीजों से भरी पड़ी है। तुम्हें चारों बाजू बस वही और वही नजर आएंगे, और इनमें जान नहीं है ना ही इन्हें दर्द होता है। तुम बस इन्हें खत्म कर सकते हो। तुम्हारे पास बस यही चारा है, तो तैयार हो जाओ। यहाँ पर पूरी आर्मी है और तुम्हें इनका सामना करना होगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, अंदर से होकर जाता हूँ। मुझे इनसे बचना भी होगा और इन्हें खत्म भी करना होगा, पर मैं एक साथ सबका सामना नहीं कर सकता। ये जगह तो इन चीजों से भरी पड़ी है, चारों बाजू बस वही और वही नजर आ रहे हैं मुझे। मुझे नहीं पता मैं इन्हें रोक पाऊंगा या नहीं। एक काम करता हूँ, अपना हथियार निकालता हूँ। इस बार मुझे दोनों हाथों में चाहिए। ये रहा, अब तो इनकी वाट लगा दूंगा। ये गए, मुझे नहीं लगता मुझे एक एक करके इन्हें मारना चाहिए। मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना ही होगा। मैंने दूसरे सिम्बियोट को भी मारा है, उसकी भी ताकत मुझ में है। उसने कुछ तो पावर जरूर मिली होगी। वाह क्या बात है, मेरे तो पंख निकल आए और मुझे बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। वैनम अब तुम्हारी बारी। यहाँ से मैं संभालता हूँ। आओ बच्चों, पापा आ चुके हैं, आज तुम्हें हवा खिलाएंगे। जो मेरे पास आया समझो मर गया, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तब तो मैं अपने फुल फॉर्म में आया भी नहीं हूँ। आज तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। ये खाओ और ये लो, कोई नहीं बचना चाहिए या मैं सबका खात्मा कर दूंगा। तुम तो मेरे पास भी नहीं आ सकते, और अब तुम्हारा अंत आ चुका है। ये लो। चलो इनका काम तो पूरा हो गया। वरना मैं काम करो, तुम सीधा नल की स्पेसशिप की तरफ बढ़ो, वो वहीं पर होगा, तुम्हें उसे हराना होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आज तो ये नल का बच्चा बचेगा नहीं मेरे हाथ से। कितना भी ताकतवर हो, उसे मैं खत्म कर दूंगा, भले उसमें मेरी जान चली जाए। एक मिनट, ये क्या है सामने? ये तो कार्नेज है, तो ये यहाँ पर था। वाह क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे लगा नहीं था तुम बचोगे। मैं तो बच गया, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम्हारी तो आज वाट है। ऐसा तुम्हें लगता है, मेरे अंदर जो पावर है, जो डार्कनेस है, तुम उसे जानते नहीं हो, ना ही महसूस कर सकते हो। मैं इतना ईविल बन चुका हूँ कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अगर ऐसी बात है तो तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। तुम तो गए, आज तुम्हारी वाट है। तुम्हें बाकी सिम्बियोट के पास पहुँचा दूंगा, मतलब के नर्क में। ये लो और ये खाओ, तुम्हारा अंत आ चुका है। वाह क्या बात है, ये पंख मुझे पसंद आए, इन्हें काट देता हूँ। मेरे पंख कहाँ गए? हम तो नीचे गिर रहे हैं। वो रहा कार्नेज। नीचे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आउच आउच आउच, भाग ना वो रहा। यहाँ वैनम, तुम्हारी ताकत की मुझे जरूरत है। तुम्हारी ताकतें भी मैं ले लूंगा, उसके बाद तुम नाकारा हो जाओगे और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर हमारा यहाँ पर राज होगा। मैं तो बोलता हूँ तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। हमारे बॉस ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी ताकतें। यही बिलवाए तुम्हें भी वो कुछ ना कुछ देंगे, बस तुम्हें उनका काम करना है। तुम चाहे जो बोलना है बोल लो, मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगा। मेरा बस एक ही काम है, तुम सबका खात्मा करना। अगर ऐसी बात है तो मरो फिर, तुम्हें नहीं पता तुम क्या गवा रहे हो। ये तुम्हारा आखिरी चांस था, और वैसे भी तुम मेरे बॉस तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा यहीं पर हो जाएगा। अब ये लो। कहाँ पर गया? ये ले, अभी तो यहीं पर था। आउच, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। ये तो जमीन के अंदर है, अपने लिक्विड फॉर्म में। वाह क्या बात है, बड़े स्वादिष्ट हो तुम। मेरा पंच भी बहुत स्वादिष्ट है। ये ले, और ये कहा? अब यहाँ पर आ, निकल यहाँ से। ये ले, और ये कहा? अब तो तू गया, इतने जोर से फटकूंगा नानी याद आ जाएगी। और ये क्या? एक और बार चलो राइड करवाता हूँ। मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। ये लो, तुम्हें छोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बॉस तक तुम्हारा मैसेज पहुँचा दूंगा कि तुम यहाँ पर नहीं रहे। अब मैं चलता हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया वैनम। अरे वाह टोनी, मेरी तारीफ तुम्हारे मुँह से सुन के बहुत अच्छा लगा, पर हमें आगे और काम करना है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूँ H200, जहाँ पर तुम्हें नल मिलेगा। अच्छा ठीक है। आउच, चलो बहुत टाइम बाद उजाला देखा। और ये रहा नल। कैसे हो नल? आज तो तुम्हें खोल के मैं बहुत पानी निकालूंगा। और ये क्या, ये सारे सिम्बियोट यहाँ कैसे? इनको तो मैंने हरा दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हें लगता है तुमने बस सिम्बियोट के अंदर के इंसान को हराया था? सिम्बियोट कभी नहीं मर सकते। तुम इकलौते ऐसे सिम्बियोट होंगे जो आज मरोगे।
और वो भी मेरे हाथों। नलमान क्यों नहीं लेते तुम हार रहे हो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसा तुम्हें लगता है, तुम्हें नहीं पता शायद मुझे मेरी तलवार मिल चुकी है, ये रही, और इसके एनर्जी सोर्स से मैं आज सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इन सारे सिम्बियोट की ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, धीरे धीरे करके सबको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। यहाँ पर आओ, अब मेरा लेवल तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। ये क्या, ये तो पहले से खतरनाक लग रहा है, इसने सारे सिम्बियोट की पावर अपने अंदर ले ली। अब क्या करोगे वेनम, तुम्हें भी पता है कि अब मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। चिंता मत करो, मुझे और भी काम है, मुझसे नीचे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब आएगा मजा। ये सारे लोग नीचे क्यों भाग जाते हैं? कोई बात नहीं, उसे तो आज मैं दर्द दबोचूंगा और मार दूंगा, पर मुझे जल्दी करना होगा, उसकी पावर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो यही कहीं पर होना चाहिए। वो रहा एक मिनट, ये क्या, इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया, ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। वेनम, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगा, मेरा नया रूप कैसा लगा, जल्दी इसकी ताकतों का अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं दूंगा, तुम यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा तो तुम्हें लगता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि राज तो यहाँ पर मेरा ही होगा। अरे नहीं, ये तो सामने से आ रहा है, मुझे इसे रोकना होगा, इसके पास बहुत खतरनाक ताकतें हैं, मुझे वो तलवार इससे पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी। अब क्या करोगे, अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो तलवार भी मेरे पास ही है और उसकी ताकतें भी, और तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों लिखी है। मुझे इससे दूर जाना होगा, ये मुझ में आग कैसे लग गई, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर आओ, और अब ये लो। बहुत जोर से फेंका, पूरी हड्डियाँ टूट चुकी है मेरी, को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ये क्या हो गया, कहाँ गया ये रहा। अरे बाप रे, ऐसे तो ये मुझे जला के काक कर देगा, ये तो मुझे अपने पास भी आने नहीं दे रहा। अब यहाँ पर आइए ले। अरे नहीं यार, इसे लग क्यों नहीं रही, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बाप रे, क्या हुआ वेनम, नानी याद आ गई, अभी तक तो बहुत उड़ रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे नहीं लगता तुम में वो ताकत है और वो बात है, अभी भी टाइम है, मुझसे हाथ मिला लो। हाथ तो मिलाऊंगा नहीं, पर मारूंगा जरूर, ये ले। चलो आखिरकार एक तो लगा, इतने में मेरा कुछ नहीं होगा, ये लो, तुम्हें तो मैं यही पर गाड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। भागने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही फेंक देता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे हार नहीं मान सकता, मेरे में तीन तीन सिम्बियोट की ताकत है, और उसमें भी तो मुझ में भी कुछ अलग आया होगा, पूरी ट्राई करता हूँ। हो जा हो जा हो जा। अरे ये क्या, मैं तो ग्रुप वेनम बन गया, अब मजा आएगा, अब उसे पता चलेगा मेरी ताकतों के बारे में, कहा गया वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ। और ये लो, बच गई ना पुंगी, लग गई ना बाट, मुझसे पंगा लेने चला था, इसे पता नहीं कि असली वेनम कौन है। अरे वाह वेनम, तुम तो बहुत ही कमाल के निकले।